ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। देश भर में जहां लॉकडाउन है और लोग अपने घरों में रहकर इसका पालन कर रहे हैं, वहीं कई लोग ऐसे हैं जो इस लॉकडाउन का उल्लंघन ही नहीं कर रहे हैं बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। एक ऐसे ही मामला सामने आया सहारनपुर में, जहां एक व्यापारी नेता ने न केवल धारा 144 लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए अपने कार्यालय में वही कहता पूजन और मां का पूजन किया। जब इसकी जानकारी सहारनपुर पुलिस को लगी तो SSP ने तत्काल इस व्यापारी नेता और उसके साथियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्यवाही करने के आदेश दे दिए। आदेश मिलने के बाद नगर कोतवाली पुलिस ने इस व्यापारी नेता के कार्यालय पर छापा मारा, लेकिन जब तक काफी देर हो चुकी थी। व्यापारी नेता अपने साथियों के साथ फरार हो चुका था। कार्यालय तो खुला मिला लेकिन वहां पर सभी नदारद रहे। आपको बता दें कि इस व्यापारी नेता ने कई लोगों के साथ वहां पर वही पूजन कार्यक्रम किया था, जिसकी गवाह मौके पर बनाए गए वीडियो हैं, जिसमें एक साथ 15 से भी ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं। सीओ रजनीश उपाध्याय ने बताया कि बिना परमिशन के एक स्थान पर बिना सोशल डिस्टेंस के इकट्ठे होना धारा 144 के साथ साथ लॉकडाउन का उल्लंघन भी है। और जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा है कि सभी लोग बिल्कुल पास पास बैठे हैं। ये सभी लोग एक दामिक पूजा के लिए एकत्र हुए थे और इसके लिए कोई परमिशन नहीं ली गई थी। इनके कार्यालय पर पुलिस ने छापा मारा, उस दौरान कोई नहीं मिला। पुलिस ने अब नगर कोतवाली में इन व्यापारी नेता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अब कानूनी कार्यवाही की जाएगी। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन है, पूर्णतः लॉकडाउन है और इसमें धारा 144 लागू है। 5 या 5 से अधिक लोगों को एक साथ बिना किसी पूर्व सूचना के इकट्ठा होना ये दर्शाता है कि वह महामारी के संक्रमण के विरुद्ध सचेत भी नहीं है और गंभीर भी नहीं है। इसी क्रम में आज सूचना मिली, घंटाघर के पास में एक व्यापारी नेता हैं राधेश्याम नारंगी, उनके यहाँ धार्मिक पूजन का कार्यक्रम रखा गया था जिसमें कि 10 से 15 लोग इकट्ठे बताए जाते हैं। वो लोग वहाँ इकट्ठे थे, इसकी कोई पूर्व सूचना नहीं थी। वो लोग वहाँ पर बैठक कर रहे थे, सोशल डिस्टेंस का कोई भी पालन नहीं किया जा रहा था, जैसा कि फुटेज इत्यादि में देखा गया। और इसके बाद वो लोग बाहर निकले, उसी आधार पे जब ये सूचना मिली कार्रवाई की गई है, उन लोगों के विरुद्ध मुकदमा कायम किया गया है और कानूनी विधिक कार्रवाई की जा रही है। ठीक है।